नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, नियुक्ति, योग्यता आदि के बारे में चर्चा की थी। बच्चों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। बच्चों, तो न्यायपालिका जो कानून की सुरक्षा करती है उसकी सर्वोच्च और शीर्ष संस्था है आपका सर्वोच्च न्यायालय। आप सबको पता है बच्चों, आज़ादी से पहले सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर लंदन की प्रिवी काउंसिल का आधिपत्य था, बट आज हमारे स्वतंत्र भारत में न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 30+1 31 न्यायाधीश है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक आपने न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा 5-10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हैं या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता हो उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और न्यायाधीशों के मामले में हमारे भारत में कॉलेजियम प्रणाली विद्यमान है। कॉलेजियम प्रणाली पर बंदिश लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए 2014 में 99वां संविधान संशोधन आया, जिसे 121वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। 6 सदस्य इस आयोग का गठन किया गया, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार दे दिया, क्योंकि इस विधेयक के मामले माध्यम से जो 6 सदस्यीय आयोग बनाया गया था उसके माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधा पैदा हो रही थी, तो संवैधानिक ढांचे के उल्लंघन के कारण इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। बच्चों, तो आज हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों, वो न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है जो निम्न कार्य करती है जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, अपना है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे क्षेत्राधिकार जिनमें केवल किसको अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बच्चों, हमारे मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। और आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारे देश में अगर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उस विवाद को निपटाने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में झगड़ा हो जाए तो उस विवाद का निपटारा भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए या ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें संविधान का प्रश्न निहित हो तो भी कौन निपटारा करता है, सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। उच्च न्यायालयों ने ऐसे कोई विवाद सामने लाके खड़े कर दिए जिसमें संविधान का प्रश्न निहित है तो उसकी अपील सुनने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो हमारे देश में मौलिक अधिकारों का जो रक्षक माना जाता है बच्चों, वो किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे क्षेत्राधिकार जिस जो केवल सीधे कहाँ पर जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसे मामलों को मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 2 मामले हैं बच्चों, अनिवार्य और समवर्ती मामले। वो कैसे बच्चे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में विवाद हो जाए, भारत सरकार
भारत सरकार तथा किसी राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके अलावा मान लो किसके बीच में विवाद हो जाए, भारत सरकार या केंद्र बोल सकते हो, केंद्र तथा कई राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो भी उसका निपटारा किसके कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके अलावा अगर मान लो राज्यों और राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उस मामले में भी हम सीधे कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। इसके अलावा दो या दो राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो जाए या दो से अधिक राज्य आपस में भी लड़ाई दंगा करने लग जाए तो उस समय अगर उनके बीच में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करने का कार्य भी कौन करता है? कौन करता है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसे मामले सीधे कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे बच्चों। और इन सब मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो अनिवार्य मामले हैं ये सीधे कहाँ पर जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो कौन सा? भारत सरकार तथा किसी राज्य के बीच में विवाद हो जाए, भारत सरकार तथा एक राज्य के कई राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, एक राज्य तथा कई राज्यों के बीच में विवाद हो जाए या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए। जैसे आपको पता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद हुआ, कावेरी नदी जल विवाद हुआ, तो इस तरीके के विवादों का निपटारा करने के लिए हम सीधे कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी क्या करेगा? इन सब मामलों का क्या करेगा? निपटारा करता है। अब बात आती है बच्चों कौन सा क्षेत्राधिकार? समवर्ती। समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पर यह है, ये समवर्ती अधिकार है, ये केवल ये इस प्रकार का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही नहीं है, उच्च न्यायालयों में भी रिट लगाई जा सकती है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, ना केवल सर्वोच्च न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालयों में भी अपील की जा सकती है। और उच्च न्यायालयों में भी क्या की जा सकती है बच्चों? अपील की जा सकती है। तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार है जो सीधे कहाँ पर जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। एक अनिवार्य क्षेत्राधिकार है जो कहीं पर भी नहीं जा सकते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। एक संवर्ती क्षेत्राधिकार है जिनकी सीधी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं लेकिन उच्च न्यायालयों में भी जिनकी अपील की जा सकती है वो अधिकार बच्चों मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे अधिकार है जो सीधे उसी न्यायालय में जा सकते हैं, उन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बच्चों रिट संबंधी अनुच्छेद 139। तो रिट संबंधी जो मौलिक अधिकार है बच्चों वो किसके पास है? रिट संबंधी मौलिक अधिकार जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 लेख जारी करने का पावर रखती है। वो कौन कौन से बच्चों? पहला है बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर उसको न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो लेख जारी किया जा सकता है, जो रिट जारी की जा सकती है, उसे ही बोलते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण उसे कहते हैं जब न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को
24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी कर सकती है। रिट जारी करने की शक्ति हमारा अनुच्छेद 139 देता है सर्वोच्च न्यायालय को। दूसरा है बच्चों परमादेश। परमादेश क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी की जाती है बच्चों उसी को हम बोलते हैं परमादेश। तीसरा है बच्चों आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण बच्चों एक न्यायिक रिट है, केवल न्यायालय में ही प्रस्तुत की जा सकती है। उत्प्रेषण का मतलब यहाँ पर है जो अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से बच्चों? एक तो आपका उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों में आपके सत्र न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, ये सब आते हैं, जिला न्यायालय। तो इनके द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है और अगर ये समझे कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिए तो इनके द्वारा एक लेख जारी किया जाता है और उस प्रकार का विवाद उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। इस प्रकार के संबंध में जो न्याय निम्न न्यायालयों के द्वारा उच्च न्यायालयों के में जो लेख जारी किया जाता है बच्चों उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या? उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। चौथा आता है बच्चों प्रतिषेध। क्या आता है? प्रतिषेध। क्या होता है प्रतिषेध बच्चों? उच्च उत्तम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला चल रहा है, उस मामले को रोक देना, उस मामले को रोक देना कि आप इस मामले को कहाँ भेज दो? उच्चतम न्यायालय में भेज दो। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों के मामलों में किसी भी मामले या निर्णय को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है बच्चों उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रतिषेध। फिर आपका आता है पांचवा बच्चों अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा ये जो आपका उत्प्रेषण है और ये प्रतिषेध है, ये न्यायिक रिटे हैं, न्यायिक रिटे हैं। इस पर केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी की जाती है, जबकि अधिकार प्रच्छा का मतलब है कि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है बच्चों उसी को बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 139 के तहत पांच रिटें जारी की जा सकती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा अधिकार प्रच्छा। तो इन सब रिटों के माध्यम से हमारा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। पांच जो मौलिक अधिकार है आपका समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, इन सब की रक्षा करने का कार्य आपका मौलिक अधिकार करता है। आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा करता है इन रिटों के माध्यम से। ना केवल सर्वोच्च न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय भी क्या करता है? रिट जारी करता है। अब उसके बाद आता है बच्चों अभिलेख न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज निर्णय देता है उन निर्णयों को एक दस्तावेज समझकर निम्न न्यायालय उसका परिप्रेक्ष्य लेकर के अपने निर्णय देते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय अब तक लिए गए हैं उनको अभिलेखों और साक्ष्यों के रूप में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है अनुच्छेद 129 के अनुसार। उसके बाद आता है बच्चों अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो बच्चों उच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो उनके निर्णयों के विरुद्ध आम आदमी सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है, लेकिन वो मामले कैसे होने चाहिए उसके आधार पर अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला
संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा दांडिक और चौथा है विशेष। यहाँ पर संवैधानिक का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय दे दिया है जिसमें संविधान का प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामलों के निर्णयों के विरुद्ध, ऐसे निर्णयों के विरुद्ध जो कि उच्चतम न्यायालय ने दे दिए हैं, उन निर्णयों के विरुद्ध आम नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है अगर उसमें संवैधानिक प्रश्न निहित हो। फिर आता है दीवानी मामला। दीवानी मामले का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 में देखने को मिलता है और ये कहता है, क्या कहता है, अगर भूमि से संबंधित, राजस्व से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो उस निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा दांडिक फौजदारी अगर कोई मामला है तो उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 में कहा गया है तो उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उसके बाद आता है बच्चों विशेष। विशेष मामलों में मतलब यहाँ पर यह है कि सैनिक न्यायालयों ने अगर क्या दे दिया हो, सैनिक न्यायालयों ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय में उसमें अपील नहीं की जा सकती है बच्चों। तो अगर उच्च न्यायालय के निर्णय संघीय कार्यपालिका से संबंधित है तो उन निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है बच्चों, अपील की जा सकती है। इसके अलावा किसी सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालयों को किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने की विशेष अनुमति नहीं देता है, ये बात मैंने अभी आपको बताई और बुक में भी यही बात कही गई है कि सैनिक न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो उन निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का पावर सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, तो इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में देखने को मिलता है। तो उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एक अधिकार और है बच्चों, वो है परामर्श देने का अधिकार। परामर्श देने का अधिकार आप सब जानते हैं बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। अब उस परामर्श को देता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को माने ये क्या नहीं है, हमारे संविधान में इस बाध्यता का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर 1973 से पहले का मामला है तो राष्ट्रपति ने अगर सलाह मांगी है संविधान से संबंधित किसी प्रश्न पर तो सर्वोच्च न्यायालय को वो परामर्श देना ही पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति माने या ना माने। लेकिन अगर 1973 के बाद का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को परामर्श दे, ऐसी कोई भी संवैधानिक बाध्यता हमारे देश में नहीं है। तो किसी भी महत्वपूर्ण फैसले पर कार्रवाई करने से पहले अदालत की कानूनी राय लेनी है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है बच्चों। ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या है बच्चों, क्षेत्राधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं ऐसे मामलों को हम मौलिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत रखते हैं। कुछ अनिवार्य हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं, कुछ संवर्ती है जो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों में भी अपील की जा सकती है। उसके बाद आता है रिट संबंधी अनुच्छेद 139 में इस बात का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में देखने को मिलता है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसमें चार तरह के मामले आते हैं, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष इजाजत वाले अधिकार, इन चारों अधिकारों के बारे में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसको अपील सुनने का अधिकार मिला हुआ है, तो ये अधिकार है। इसके अलावा हमारा भारतीय संविधान की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो परामर्श देने का कार्य भी करता है।
परामर्श देने के अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में देखने को मिलता है, जिसमें राष्ट्रपति किसी भी कानूनी प्रश्न पर कार्यवाही करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। 1973 से पहले का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय को बाध्यता है, 1973 के बाद का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय को कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा भी सर्वोच्च न्यायालय कई कार्य करता है बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या करते हैं बच्चों, चुनाव करते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय बच्चों आज हमारे भारतीय संविधान का रक्षक है। तो संविधान का कौन है हमारा भारतीय संविधान, संविधान का रक्षक है। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम सॉरी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ने ऐसा कोई निर्णय दे दिया जिसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसमें दखलअंदाजी कर देता है। और आप जानते हो कि आज हमारे समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो जनहित याचिका को आधार मानकर भी सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देता है, निर्णय दे देते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि हमारे संविधान का रक्षक, हमारे कानून का रक्षक जो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय है। और आज भी हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, उच्चतम न्यायालय के प्रति, हमारी न्याय प्रणाली के प्रति लोगों की आस्था है, विश्वास है। तो इसी आस्था और विश्वास को बनाने के लिए आज हम इस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को हमने पढ़ा समझा। और आप चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जो कि अभिलेख न्यायालय का भी कार्य करता है उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन जिसकी व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है बच्चों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत में आज न्यायिक प्रक्रिया, न्याय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है कई ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जिससे आम आदमी का भला हो सके, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठा रहा है। आज हमारे कोरोना संक्रमण के चलते एजुकेशन में जो चीजें आई कि एजुकेशन फीस माफ कर देनी चाहिए, इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें संसद जो है अपनी मनमानी करने से रुक रही है, वो एक ही है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को तानाशाही बनने से आज रोक रहा है, तो वो है आपकी सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी 12th क्लास के क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो देखते रहिए बच्चों नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को, ताकि आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो लाइक्स करें, शेयर करें और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर कमेंट्स दें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊँ। धन्यवाद।